हम एक ऐसा स्मार्ट वॉच बनाने की बात कर रहे हैं जो प्रूफ कलेक्ट करने का काम करेगी, कर रहा हूँ, उसमें एक हाई क्वालिटी कैमरा होगा और नाइट विजन वाला होना चाहिए। जब कभी भी कोई लड़की सुनसान जगह से गुजर रही हो या फिर उसे थोड़ा सा खतरा महसूस हो या उसे लगे कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्मार्ट वॉच के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो लिटरली रेप केसेस को सॉल्व कर सकता है। इस तरह के स्मार्ट वॉच की वजह से लोगों के अंदर एक ऐसा डर बैठ जाएगा, वो रेप जैसी घिनौनी क्राइम करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैंने कुछ टाइम पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, इंडिया का जस्टिस सिस्टम कितना घटिया है, हर बार रेपिस्ट को बचा लिया जाता है, कभी पुलिस के द्वारा, कभी गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो कभी मामला कोर्ट में ही फंसा दिया जाता है। ये सारे ऑफिशियल्स भी शायद रेप मैंडसेट वाले ही होंगे जो पैसे और पावर की लालच में भूल जाते हैं कि कल को इनके माँ बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इंडिया में वुमेन सेफ्टी महज एक जुमला बन के रह गया है, इसलिए एज एन इंडिविजुअल हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में और आगे भी अगर कोई डिवाइस या ऐप का आइडिया कुछ आता है जिससे वुमेन सेफ्टी में इजाफा हो सकता है तो मैं जरूर इसे डिस्कस करूंगा। देखो, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि रेप केसेस पे कंट्रोल पाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि पनिशमेंट कितना हार्ड है और दूसरी चीज कि पकड़े जाने का क्या चांसेस है। इंडिया में सिर्फ 27% रेप केसेस में ही क्रिमिनल कन्विक्ट हो पाता है, तो हमें इस चीज पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। रेपिस्ट को पता है कि इसकी सजा क्या होगी, लेकिन वो श्योर है कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा या कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी का मदद लेते हुए हम एक ऐसा स्मार्ट वॉच बनाने की बात कर रहे हैं जो प्रूफ कलेक्ट करने का काम करेगी। अभी आपको शायद लग रहा हो कि ये क्या मैं अजीब बातें कर रहा हूं, लेकिन जो जो फीचर्स मैं उस स्मार्ट वॉच में चाहता हूं उसका 60-70% फीचर्स ऑलरेडी अभी के स्मार्ट वॉचेस में अवेलेबल है। मैं जो स्मार्ट वॉच की बात कर रहा हूं वो एक सीसीटीवी की तरह काम करेगा। देखो, अब हम पूरी दुनिया में सीसीटीवी लगा तो नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हम स्मार्ट वॉच को ही एज ए सीसीटीवी यूज करेंगे। देखिए, समझाता हूँ, मैं जो स्मार्ट वॉच बनाने की बात कर रहा हूँ उसमें एक हाई क्वालिटी कैमरा होगा और नाइट विजन वाला होना चाहिए। इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसमें ई सिम लगा हो, साथ में हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर हो, GPS हो, उसका जो स्ट्रैप है वो परमानेंट फिक्स होना चाहिए, या फिर खोलना है तो वो किसी दुकान पे ही जाके खोल सकते हैं, नॉर्मली नहीं खोल सकते। ऐसा स्ट्रैप मैं क्यों चाहता हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। तो आप बताते हैं कि स्मार्ट वॉच काम कैसे करेगा। देखो, ये स्मार्ट वॉच पहनने के बाद जब कभी भी कोई लड़की सुनसान जगह से गुजर रही हो या फिर उसे थोड़ा सा खतरा महसूस हो या उसे लगे कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो इस वॉच को एक्टिवेट कर सकती है। इसके तीन ऑप्शन होंगे। पहला, उसमें एक स्पेशल बटन होगा जो 2-3 बार प्रेस करने से वॉच एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, आप वॉइस कमांड के जरिए भी उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यह वॉच जैसे ही एक्टिवेट होगा कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग और माइक ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, और ये सारा चीज इंटरनेट के जरिए क्लाउड पे स्टोर हो रहा होगा। अगर क्रिमिनल बहुत कोशिश करके इसे तोड़ भी देता है तब भी वो उतना देर तक का रिकॉर्डिंग रहेगा जब तक वॉच ऑन था। फिर विक्टिम के पेरेंट्स उस क्लाउड का एक्सेस लेकर सारा रिकॉर्डिंग, जिसमें क्रिमिनल का फेस भी हो सकता है, वो जाकर पुलिस को सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा केस ये हो सकता है कि अचानक कुछ लोग आते हैं और लड़की को पकड़ लेते हैं और वो स्मार्ट वॉच को एक्टिवेट नहीं कर पाती है, तो उस केस में हार्ट बीट रेट मॉनिटरिंग सेंसर के जरिए वॉच एक्टिवेट होगा। इस तरह के सिचुएशन में हम काफी डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है। जैसे ये सेंसर अनयूजुअल हार्ट बीट रेट मॉनिटर करेगा, वो तुरंत कैमरा और माइक को ऑन कर देगा और सारा रिकॉर्डिंग क्लाउड पे लगातार स्टोर होता रहेगा। इस वॉच में एक और फीचर होगा, इमरजेंसी SOS का। आप पहले से उसमें पेरेंट या किसी का नंबर सेव करके रख सकते हैं और जैसे ही ये वॉच एक्टिवेट होगा वो तुरंत उस नंबर पे SMS भेज देगा हेल्प के लिए विथ एक्यूरेट लोकेशन, और आपके पेरेंट्स क्लाउड पे लॉग इन करके वीडियो भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में आपके साथ किस तरह का प्रॉब्लम आया है, और फिर वो हेल्प के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा हार्ट बीट तो एक्सरसाइज करते वक्त या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त भी बढ़ जाता है, तो वॉच तो तब भी एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, वॉच जब भी एक्टिवेट होगा तो उसमें कुछ पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अगर वो पासवर्ड आप इंटर कर देते हैं तो वॉच डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन जब आप मुसीबत में रहेंगे तो उस पासवर्ड को इंटर मत करिएगा, तो सारा रिकॉर्डिंग्स वगैरह ऑन रहेंगे और इमरजेंसी SMS फीचर भी ऑन रहेगा। इंडिया में कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पे रेपिस्ट रेप करने के बाद विक्टिम को जला देता है या उसे मार देता है। ऐसा इसलिए ताकि कल को वो विक्टिम पुलिस को क्रिमिनल का पहचान न बता सके। ऐसे केसेस में अगर उसके पास ऐसा वॉच रहता है तो उस वॉच के जरिए तो सारा रिकॉर्डिंग क्लाउड पर स्टोर रहेगा, क्रिमिनल को आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब तीसरे केस के बारे में बात करते हैं। मान लो कल को जब ये वॉच मार्केट में आता है, पहली बात तो कोई भी क्रिमिनल किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि कैमरा में विदिन सेकेंड उसका फेस रिकॉर्ड हो जाएगा और वो पकड़ा जा सकता है। बट फिर भी अगर कुछ लोग अचानक आकर हमला कर देते हैं और वॉच को इस तरीके से कवर कर लेते हैं ताकि उसका फेस उस कैमरा में रिकॉर्ड ना हो सके, इस केस में माइक तो ऑन रहेगा ही। इंडिया में 97% रेप केसेस में क्रिमिनल विक्टिम का पहचान का ही होता है। अभी जो कोलकाता में हुआ उसमें भी तो सस्पेक्ट उसी कॉलेज के ही थे, क्या पता विक्टिम को उसका नाम भी पता होगा। तो ऐसे केसेस में विक्टिम अगर उस क्रिमिनल का नाम लेती है या फिर सस्पेक्ट का आपस में कुछ बात करते हुए रिकॉर्ड हो जाता है तो इससे क्रिमिनल को पकड़ने में काफ़ी आसानी होगी।
और अब जानते हैं कि क्या यह स्मार्ट वॉच बनाना पॉसिबल है। बिल्कुल 100% पॉसिबल है। मार्केट में ऑलरेडी कुछ स्मार्ट वॉचेस आ चुके हैं जिसके अंदर कैमरा भी है, माइक भी है, सिम भी लगा सकते हैं यानी कि इंटरनेट फैसिलिटी भी है और हार्ट बीट मॉनिटरिंग सेंसर तो सभी स्मार्ट वॉचेस में मिल जाते हैं। हमें कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे नॉर्मल कैमरा की जगह नाइट विजन वाला कैमरा विथ हाई क्वालिटी, और फिर वॉच को एक्टिवेट करने के लिए वो स्पेशल बटन प्रोवाइड करना पड़ेगा, वॉइस कमांड के जरिए भी एक्टिवेट कर सके जैसे कि अलेक्सा और सीरी में किया जाता है। नॉर्मल हार्ट बीट मॉनिटरिंग सेंसर के जगह अच्छा क्वालिटी वाला सेंसर लगाना होगा जिसका एक्यूरेसी काफी हाई हो, ताकि थोड़ा सा भी अनयूजुअल हार्ट बीट मॉनिटर करते ही वो वॉच को एक्टिवेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो अभी किसी भी स्मार्ट वॉच में नहीं मिलता है वो ये ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली होता रहे और वो साथ में क्लाउड पे भी स्टोर होता रहे। हमें इसी फीचर के लिए थोड़ी रिसर्च और मेहनत करनी पड़ेगी। ये फीचर ऑलरेडी वायरलेस सिक्योरिटी कैमरा में मिलता है, बट वो चीज़ को हमें स्मार्ट वॉच में भी देने की ज़रूरत है। और वो जो इमरजेंसी SOS वाला फीचर है वो ऑलरेडी अभी कुछ स्मार्ट वॉचेस मिल जाएंगे जैसे कि एप्पल वॉच। अब मैं बताता हूँ कि उस वॉच में मैं नॉर्मल स्ट्रैप की जगह फिक्स्ड स्ट्रैप क्यों चाहता हूँ। देखो अभी के टाइम में क्या होता है कि जब कभी मुसीबत में कोई लड़की फ़ोन निकाल कर रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, क्रिमिनल पहले फ़ोन को ही छीन कर फेंक देता है और वो तोड़ देता है, तो एविडेंस कुछ बचता ही नहीं है। और ये सेम चीज़ स्मार्ट वॉच के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट वॉच का स्ट्रैप अगर खुलने वाला हो ही नहीं तो क्रिमिनल इसे निकाल कैसे पाएगा। फिर क्रिमिनल कोशिश करेगा कि वॉच को हाथ में लगे रहते हुए ही उसे तोड़ दे, लेकिन वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन इतनी देर में तो सारे क्रिमिनल का फेस रिकॉर्ड होकर ऑलरेडी क्लाउड स्टोरेज पे सेव हो चुका होगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब स्ट्रैप खुलेगा ही नहीं तो हम स्मार्ट वॉच को निकाल के चार्ज कैसे करेंगे। तो देखो, चार्ज करने के लिए हमें स्मार्ट वॉच को निकालने की जरूरत नहीं है, हम फोन के जरिए USB केबल लगाकर स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं कभी भी सोते टाइम या ट्रेवल करते टाइम या स्टडी टाइम या किसी भी टाइम। 10 से 15 मिनट तक चार्जर को स्मार्ट वॉच में और फोन में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच के अफोर्डेबिलिटी का। देखो, मैंने ये स्मार्ट वॉच बनाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी गेस कर रहा हूँ कि 10 से 30,000 के बीच में ये मिल सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में कुछ स्मार्ट वॉच मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें कैमरा भी हो, सिम कार्ड भी लगा सकते हैं यानी कि इंटरनेट भी हो और माइक भी हो और हार्ट बीट मॉनिटरिंग सेंसर भी हो, तो ये 5 से 7,000 में मिल जाता है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि बाकी फीचर्स को भी ऐड करने के बाद यह स्मार्ट वॉच 10 से 30,000 में मिल सकता है। बट फिर भी इंडिया में इतना गरीबी है कि सारी लड़कियां इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इस केस में गवर्नमेंट को होना चाहिए कि वुमेन सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यह स्मार्ट वॉच सारी लड़कियों को एज अ स्कॉलरशिप दे। थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मुझे फुर्सत मिले तो इस आइडिया के ऊपर मैं और रिसर्च करूंगा, इसमें और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, इसे बनाने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक PPT में बनाकर जितने भी स्मार्ट वॉच कंपनी है उन्हें मैं सेंड करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह का स्मार्ट वॉच एक ना एक दिन मार्केट में ज़रूर आएगा, लेकिन हमें इसे टॉप प्रायोरिटी देना होगा ताकि ये चीज़ जल्दी आ सके। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई आइडिया हो वेबसाइट को लेकर, ऐप या कोई डिवाइस को लेकर जिसे वुमेन सेफ्टी के लिए यूज किया जा सकता है, तो आप हमारे साथ वो चीज़ शेयर करें। अगर वो यूजफुल लगता है तो इसे मैं अपने चैनल पे आपके साथ इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करूंगा, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा।